नमस्कार, मैं सोहेल सिद्दीकी खबर एसएस के न्यूज रूम से। देखिए खबर एसएस की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने के कारण और दीपावली पर्व इसी मतदान वाले माह में और आचार संहिता के चलते कलेक्टर भोपाल की गाइडलाइन के अनुसार आतिशबाजी एवं पटाखों को चलाने के लिए एक समय 8 बजे से लेकर 10 बजे निर्धारित किया गया, जिसका असर आज पटाखा मार्केट में भी देखने को मिला। देखिए कैमरामैन अमित के साथ खबर एसएस के लिए साउथ सिद्दीकी की भोपाल से एक रिपोर्ट। मेरा नाम लक्ष्मीचंद। अच्छा, तो यहां काहे के लिए आया? यहां पर पटाखे खरीदने आए। अच्छा, फिर पहले तो धंधा पहले अगले साल अच्छा था, इस बार क्या है बैन लग गया तो थोड़ा ऐसा हो गया, तो उसकी वजह से कम हो गया धंधा। अच्छा जी, तो आप तो खरीदते हो, कितने खरीदने आए थे पटाखे? वैसे 30-40 हज़ार का खरीदते हैं, लेकिन इस बार 10-15 हज़ार का खरीद रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्यों, वजह क्या हो गई? वजह ये हो गई कि उन्होंने बोला कलेक्टर साहब ने, एसपी ने, कि ये थोड़ा कम आवाज़ वाला करो। अच्छा, उसकी वजह थोड़ा सा तेज। नाम बताइए। अच्छा, अभी जो गाइडलाइन आई है पटाखे की, इसके बम फोड़ने की, तो वो उसके बारे में कैसा क्या सोचा है? वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है, जो आदेश आया है 8 से 10 बजे के बीच जलाने वाला, जैसे रात्रि पर काफ़ी असर पड़ा है। लोग 8 से 10 बजे तक कितनी आतिशबाजी जला पाएंगे, फर्क काफ़ी हद तक पड़ा। रही बात पॉल्यूशन,